ओके आई एम डॉक्टर पवन कुमार झा फ्रॉम सीमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे, समझाए थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं, उसके मीनिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे. आज के सेशन में कुछ ट्रांजेक्शन हम लिए हैं और इस ट्रांजेक्शन के बेसिस पर हम यह समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिए हैं और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सो द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी ये सब जो भी ट्रांजेक्शन है इन ट्रांजेक्शनों के बेसिस पर मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करना है, प्रिपेयर करना है. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. अब इसी को हम लोग, इसका एक मेन ये फॉर्मूला हो जाएगा और इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स है उसको लेफ्ट में रखेंगे, जितना भी लायबिलिटीज है उसको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, कुछ ट्रांजेक्शन है. जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इज रुपीज 5 लाख. फिर है कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस इज रुपीज 10,000 एंड 15,000. फिर थर्ड ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स इज रुपीज 15,000 एंड रुपीज 20,000. नेक्स्ट है रेंट पेड इज रुपीज 1,000. नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड. मतलब यहाँ साफ है कि इसमें बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इसमें सामान खरीद रहा है, नगद और उधार दोनों खरीद रहा है, इसमें सामान बेच रहा है, नगद और उधार दोनों बेच रहा है, और ये इनकम और एक्सपेंसेस को डिनोट करता है. रेंट पेड, पेड मतलब एक्सपेंसेस हो गया, और इंटरेस्ट रिसीव मींस इनकम हो गया. अब इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन पर उसको हम लोग समझेंगे, देखेंगे. तो यहां पर क्या है कि इसका एक इक्वेशन मेन तो फॉर्मूला आपका यहां पर ये है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ये देखेंगे इसको हम लोग, इसको बनाने का जो प्रोसीजर है वो इस तरह से है कि जो भी एसेट्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो भी लायबिलिटी और कैपिटल है उसको हम राइट हैंड साइड में रखते हैं. तो इस तरह से फॉर्मूला होता है कि यहां हेडिंग हम लोग लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन मुझे बनाना है पूरे बोर्ड का हम लोग यूज करेंगे यहां पर. और यहां पर मेन फॉर्मूला जो है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब यहां पर देखना यह है कि लायबिलिटी क्रिएट होगा, न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एसेट्स क्रिएट होगा, न्यू अकाउंट जितना भी है. तो वेरियस एसेट्स को हम लेफ्ट में रखेंगे और जो भी लायबिलिटी कैपिटल होगा उसको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे. तो इस तरह से हम इसका फॉर्मेट कर सकते हैं. यहां पर हम लोग ट्रांजेक्शन भी दे सकते हैं कि यहां पर सीरियल नंबर के साथ फर्स्ट ट्रांजेक्शन जैसे क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. एक ट्रांजेक्शन यहां पर हम लोग समझेंगे इज रुपीज 5 लाख, यानी 5 लाख से वो बिजनेस क्या कर रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है. तो इसका मतलब है बिजनेस में कैश कम, बिजनेस में क्या होगा, कैश आएगा और दूसरी तरफ कैपिटल भी क्रिएट हो जाएगा, यानी लेफ्ट में 5 लाख और राइट में भी 5 लाख. इसका इफेक्ट इस तरह से होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर. तो बोथ साइड आर इक्वल, जैसे कि मैथ में प्रीवियस क्लास में बताए थे, जैसे मैथ में LHS इक्वल टू RHS होता है, ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग में भी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है. इसको हम लोग इक्वेशन कहेंगे. और इस इक्वेशन के बाद हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, सेकेंड ट्रांजेक्शन. क्या था सेकेंड ट्रांजेक्शन, तो कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस. अब कुछ भी समथिंग जो भी रुपया है हम उसको एज्यूम कर लेंगे इज रुपीज 15,000 एंड रुपीज कितना 20,000. इस तरह से ट्रांजेक्शन है कि हम सामान खरीदे तो कैश, मतलब कैश में खरीदे 15,000, यानी 15,000 से कैश डिक्रीज हो जाएगा, और चूंकि ये क्रेडिट परचेज किए तो एक क्रेडिटर अकाउंट मेरा क्या होगा, लायबिलिटी में इंक्रीज कर जाएगा. तो यहां एक न्यू अकाउंट हो जाएगा स्टॉक, क्योंकि परचेज और सेल्स से जो अकाउंटिंग इक्वेशन इफेक्टेड होता है वो स्टॉक इफेक्टेड होता है. परचेज से स्टॉक इंक्रीजेज और सेल्स से स्टॉक डिक्रीजेज. और दूसरी तरफ यहां पर एक अकाउंट और क्रिएट होगा जिसको हम लोग क्रेडिटर्स कहेंगे. तो क्रेडिटर्स इस डेट में कुछ नहीं था, इसको यहां पर 0,0 करके करेंगे,
और यहां पर बैलेंस पुट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर हो जाएगा ये इस तरह से। अब देखिए यहां पर कैश परचेज है, तो कैश परचेज 15,000 यानी 15,000 क्या करेंगे इसमें से कैश में से माइनस कर देंगे, और दूसरी तरफ जो क्रेडिट परचेज है उससे मेरा क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और इससे ना तो कैपिटल इफेक्टेड होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है जो टोटल परचेजेस हम क्या किए, तो 20,000 और 15,000 कैश में और 20,000 क्रेडिट में, इस तरह से 35,000 क्या हो जाएगा टोटल परचेजेस होगा। तो जब हम इसको इक्वल करेंगे तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करने के बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इक्वल आता है। कैसे, ये देख सकते हैं कि 4,85,000 प्लस 35,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 5,00,000, इस तरह से मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन में पूरा टोटल कितना हो गया, तो 5,85,000 और 35 जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5,20,000, और इधर भी कितना आ जाएगा 5,20,000। तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ यही दो ट्रांजेक्शन को हम लोग समझे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको एक और लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे, उसमें 4-5 ट्रांजेक्शन लेंगे और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके समझेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।